कृष्णा एंड सुदामा, सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस, टॉपिक मॉडगिलानी एंड मिलर, मॉडगिलानी एंड मिलर मॉडल। 2 मार्क्स में ये सम्स आ सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। एमएम हाइपोथेसिस यानी मॉडगिलानी मिलर हाइपोथेसिस, आपको वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना है। दोनों फर्म्स से सिमिलर फर्म्स हैं, दोनों को प्रॉफिट्स भी सेम है, कॉस्ट भी सेम है, टैक्स भी सेम है। आइडेंटिकल फर्म्स का मतलब दोनों फर्म्स का प्रॉफिट और टैक्स रेट और कॉस्ट उनकी सिमिलर है, लेकिन एक लीवर्ड फर्म है और दूसरी अनलीवर्ड। अनलीवर्ड मतलब ऑल इक्विटी फर्म। जो कृष्णा लिमिटेड है उन्होंने कभी भी लोन नहीं लिया है, कृष्णा लिमिटेड ने लोन कभी नहीं लिया है, और सुदामा ने लोन लिया है डिबेंचर। डिबेंचर इज अ लोन ऑफ 8 लाख। सुदामा कंपनी का लोन है, कृष्णा का लोन नहीं है। तो उस केस में पहले हमें कृष्णा का कैलकुलेशन करना है। कभी भी अनलीवर्ड फर्म का पहले कैलकुलेशन करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नोट डाउन करो। कृष्णा एंड सुदामा आर आइडेंटिकल फर्म्स, बट कृष्णा डज नॉट यूज एनी डेट। कृष्णा डज नॉट यूज एनी डेट, सुदामा यूजेस 9% डेट ऑफ 8 लाख्स, 9% डिबेंचर ऑफ 8 लाख्स। बोथ फर्म्स हैव ईबीआईटी ऑफ 2,60,000। बोथ फर्म्स हैव ईबीआईटी ऑफ 2,60,000 पर एनम एंड द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। एंड द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू मॉडगलानी एंड मिलर हाइपोथेसिस। एक बार फॉर्मूला देखनी है क्या आपको? ये फॉर्मूला है, पहले हमेशा फर्स्ट अनलीवर्ड फर्म का कैलकुलेशन होता है जो ऑल इक्विटी फर्म है। सबसे पहले फर्स्ट हम लोग अनलीवर्ड फर्म, कृष्णा लिमिटेड इज अ अनलीवर्ड फर्म, उसका कैलकुलेशन पहले होगा। पहले कृष्णा का करेंगे, फिर कृष्णा की जो वैल्यू आएगी अनलीवर्ड फर्म की, उस वैल्यू को ऐड करेंगे, डिबेंचर का अमाउंट ऐड करेंगे 9 लाख और टैक्स रेट 35%। आपको बताया ना डिबेंचर का अमाउंट कितना है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिबेंचर लिखना है 9 लाख इंटू 35%। 9 लाख का 35 कितना होगा बताओ? 9 लाख का 35% 3,15,000, यहाँ पे आएगा 3,15,000। 9 लाख 35% से मल्टीप्लाई। अनलीवर्ड फर्म कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, ईबीआईटी क्या दिया है क्वेश्चन में? 2,60,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट 2,60,000 ईबीआईटी इंटू 0.65, 1 माइनस 0.35, टी मतलब टैक्स रेट 35 है तो 0.35 माइनस करेंगे, अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है क्वेश्चन में? कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखो 10% है, ईबीआईटी कितना है? 2,60,000। 2,60,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट 30% टैक्स रेट है, सॉरी 35 समझा मैंने, 2,60,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट 30%, आंसर क्या आ रहा है? टू लैख सिक्सटी थाउजेंड इंटू 0.60, 1,56,000 डिवाइड बाय 0.10, 15,60,000। ठीक है,
value of levered firm, value of levered firm is equals to value of unlevered firm, यहाँ पे आएगा 15,60,000 प्लस 8 लाख इंटू 30% टू लाख 40,000। तो आंसर क्या आएगा, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, लीवर्ड फर्म यानी सुदामा, सुदामा का पहले कृष्णा का निकाला अनलीवर्ड फर्म का वैल्यू, उसके बाद हमने सुदामा का निकाला 18 लाख। ये किसका वैल्यू है, सुदामा का। फर्स्ट वैल्यू ऑफ लीवर्ड अनलीवर्ड फॉर्म, सेकंड वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म। ठीक है, कर पाओगे एग्जाम में? हेलो, एग्जाम में कर पाओगे? ये मेरे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस है जो मैं दे सकती हूँ। वैल्यू ऑफ फॉर्म मैं पूछूंगी, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म निकालो 2 मार्क्स के लिए, या वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म निकालो 1 मार्क के लिए। अगर लीवर्ड फॉर्म का आया तो 2 मार्क के लिए होगा, क्योंकि अनलीवर्ड फॉर्म पहले निकालना ही पड़ेगा, फिर लीवर्ड फॉर्म निकाल सकते हो। इसलिए लीवर्ड फॉर्म का अगर आया तो 2 मार्क के लिए आएगा, अगर अनलीवर्ड का आया खाली तो 1 मार्क के लिए आएगा। तो मैंने आपको बता दिया है, आप इसका प्रैक्टिस करना। Any doubts, TYBFM? Next question. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, KO दिया है, यानी ये NOI अप्रोच है। जब भी क्वेश्चन में के ई की जगह पर के ओ दिया होता है, टोटल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट दी होती है, उस क्वेश्चन को हमें नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से सॉल्व करना पड़ता है। हमें इसमें के ओ दिया है तो के ई निकालना पड़ता है, अगर के ई दिया होता है तो के ओ निकालना पड़ता है, के ओ के ई, के ओ के ई, ऐसा। ठीक है, के ओ दिया होगा तो के ई निकालना है, के ई दिया होगा तो के ओ निकालना है, ओवरऑल कॉस्ट निकालना है। जब भी ओके ओ दिया होता है तो आपको क्या लिखना है, इट इज अ एनओआई अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। सबसे पहले ईबीआईटी को लो, ईबीआईटी क्वेश्चन में दिया होता है, उसको के ओ से डिवाइड कर दो, आपको वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेट को माइनस कर दो, वैल्यू ऑफ फर्म जो भी आएगा, 8 लाख आया, 8 लाख में से डेट का वैल्यू माइनस कर दो, आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी जैसे ही मिल गया, आप क्या करोगे, नेट इनकम निकालोगे, यानी कि बॉन्ड की इंटरेस्ट माइनस करोगे ईबीआईटी से। बॉन्ड का इंटरेस्ट ईबीआईटी लिखा है, देखो टैक्सेस एब्सेंट बट इंटरेस्ट तो माइनस करना है ना, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज ईबीटी, ईबीटी इज नेट इनकम अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी इन 200 कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलिए सम सॉल्व करते हैं, 2 मार्क के लिए ये भी आ सकता है एनओआई अप्रोच। कंसीडर माधवन लिमिटेड गिव्स यू द फिलो फिगर्स, फॉलोइंग फिगर्स। ईबीआईटी इज 1 लाख, ईबीआईटी माधवन का लोन अमाउंट है 4 लाख, माधवन का इंटरेस्ट है 10% एवरी ईयर ऑन 4 लाख, दैट इज 40,000। ओके, 40,000 इज इंटरेस्ट एवरी ईयर माधवन इज पेइंग ऑन द लोन।
माधवन का टोटल कॉस्ट है, कंपनी का टोटल कॉस्ट है 12.5%। अगर टोटल कॉस्ट दी होती है कंपनी की परसेंटेज में, यानी कि ये एनओआई अप्रोच है। और आगे उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कंपनी एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आपको मैंने बताया जब केओ दिया होता है तो के ई निकालना पड़ता है, के ई दिया होता है तो केओ निकालना पड़ता है। सॉल्यूशन, केओ इज गिवन, सो दिस अप्रोच इज अ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन केओ, 1 lakh अपॉन 0.125। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इज 8 lakhs। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं? ईबीआईटी अपॉन ओवरऑल कॉस्ट। KO is overall cost. 1 lakh 0.125 से डिवाइड करो, वैल्यू आएगा 8 lakhs। वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के बाद आपको पता है वैल्यू ऑफ फर्म के दो कंपोनेंट होते हैं, डेट प्लस इक्विटी। अगर आपको डेट वैल्यू पता है तो आप डेट वैल्यू माइनस करोगे वैल्यू ऑफ फर्म, माइनस वैल्यू ऑफ डेट is equals to value of equity, that is 4 lakhs. Cost of equity is equals to net income, that is EBIT minus interest. Tax is absent as per the model. As per NOI approach, there is no taxation, no transaction cost. 1 lakh EBIT minus interest 40,000. 4 lakh ka 10% 40,000 interest. Divided by value of equity. So these type of sums will come for 2 marks. Answer is 15%. Is it clear to all of you?